गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम डीडी इंस्टीट्यूट। चलिए, सो आज क्या करने वाले हैं, अल्फा न्यूमरिक सीरीज पजल्स। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, खैर इसमें अल्फाबेट्स होंगे, न्यूमरिक होगा, सीक्वेंस होगा और उसके बेस पे पजल होंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो क्या रखना है इस टॉपिक के लिए, रिक्वायरमेंट क्या है आपके लिए, आपको क्या पता होना चाहिए या आपके पास क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है कि थोड़ा पेशेंस, थोड़ा रीडिंग एबिलिटी और थोड़ी स्पीड, बस। नो थियरी, नो फॉर्मूला, कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं एकदम पहले क्वेश्चन के साथ। सो क्या है, ठीक है, स्टडी द अरेंजमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब यहां पे ऐसा हर क्वेश्चन में ऐसा एक सीक्वेंस आएगा। क्या सीक्वेंस है ये, 4@BDE!YI7*KW। कोई पैटर्न नहीं है इसमें, कोई पैटर्न ढूंढने मत बैठना कि चार का डबल किया फिर ये क्या, कुछ भी है, कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या, 4 8 फिर कहीं तो 8 का डबल 16, नहीं, इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं। ठीक है, सिंपल, उनकी मर्जी, उन्होंने KW6 लिखा, उनको 6WK लिखना होता तो वो वैसा ऑर्डर देते। तो क्वेश्चन क्या होंगे, सीक्वेंस बेस्ड। तो देखो, अल्फाबेट मिल गए आपको, न्यूमरिक मिल गए, सिंबल्स मिल गए, तो अल्फा न्यूमरिक तो हो गया, कैरेक्टर्स हो गए, अब सीक्वेंस की बारी और उसके बेस पे पजल। पजल यानी क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, तो चलो क्वेश्चन ही देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, और आपको दिए गए हैं कुछ ऑप्शंस। अब इसमें आपको करना क्या है पता है, आपको ये करना है, राइट एंड कौन सा होता है, ये लेफ्ट एंड, वो राइट एंड, तो ये आपका राइट हैंड होता है। यहां से 16वां लेटर कुछ तो होगा, उसके और लेफ्ट साइड पे आपको देखना है 9वां लेटर। ठीक है, 16वां लेटर और उसके लेफ्ट साइड पे 9वां लेटर, ये आपको देखना है, लेफ्ट ऑफ है ना, फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, मतलब आपको पजल्स ऐसे होंगे, आपको काउंटिंग करना है फटाफट फटाफट। अब हर बार 1 2 3 4 5 6 ये करना मुनासिब तो नहीं होगा। ठीक है, सो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जो हमेशा मैं तो फॉलो करता हूँ। ये पजल देखती एक चीज क्या करता हूँ पता है, 5 5 के ग्रुप में बांट देता हूँ मैं, और लेफ्ट से चलेगा, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट से राइट से कहीं से भी एक हिसाब चालू करो। तो ये हो गए पहले 5, फिर अगले 5, ये देखो ये हो गए 3+2 5, अनदर 5, नेक्स्ट 5, सिंबल, अल्फाबेट, नंबर, सब ग्रुप ही बनाना है अपने को, पूरा का पूरा। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप बनाए तो मुझे क्या मिला, 1 2 3 4 5, मतलब 25 25 और 4 29। हालांकि ये नंबर मेरे फिलहाल इतने काम का नहीं है, पर मेरे को इतना पता चल गया कि देयर आर 29 कैरेक्टर्स इन दिस। अब यहाँ पे मैं ये बता दूं आपको, अच्छा बाय द वे 29 नहीं है, 30 है, ये इसमें भी 5 ही है। ठीक है, सो मैं आपको ये बताने जा रहा था कि टोटल काउंट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इवन नंबर, ऑड नंबर, मल्टीपल ऑफ 5, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, कुछ भी हो सकता है, 29 28 30 25 20, कुछ भी नंबर आ सकता है। ठीक है, इसीलिए रेकमेंडेड है लेफ्ट से 5 5 का ग्रुप बनाना। हमें क्या करना था, हमें देखना था यहां से 16 और उसके भी लेफ्ट साइड पे 9, यानी आपको टेक्निकली ये करना है 16+9, मतलब 25th लेटर फ्रॉम द राइट एंड, 25th लेटर या कैरेक्टर फ्रॉम द राइट एंड। 1 2 3 4 पहले मैंने सही बताया था आपको कि 29 ही है, 30 नहीं है। ठीक है, हाँ सही बताया था मैंने, 4 ही है। ठीक है, चलो, सो हमें क्या देखना है, हमें 25 देखना है। ठीक है, अब आप काउंटिंग मत करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग ना करना पड़े, इसलिए तो 5 5 का ग्रुप बनाया है। ठीक है, सो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लेते यहाँ पे 1 होता तो 5 काउंट करना इजी था, 5 10 15 20 25, 25वां मेरा ये आता। ठीक है, लेकिन ये नहीं है, मतलब सब कुछ एक शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी माय 25th। सो डिवाइडिंग इट इनटू अ ग्रुप ऑफ 5 विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम।
ठीक है। अब देखो यहां से 25 आपका आया ई तक डी तक, ठीक है। सो माय करेक्ट आंसर इज डी। डी कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक है। सो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, क्या क्या करा मैंने। पूरे सीक्वेंस को पांच पांच के ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखा तो राइट एंड से 16 और उसके लेफ्ट में 9, तो अगर आप काउंट ही करना चाहते हो तो देख लो एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16th मिलेगा अपने को, ठीक है। ये अपने को 16th मिलेगा, इसके 9th मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, परफेक्ट मिला। अब मैं वही बोल रहा हूँ काउंटिंग करने में कितना ज्यादा टाइम जाता, ठीक है। और ये टाइम कंज्यूमिंग ही है, इसको फटाफट ही करना चाहिए कि 16 यहां से और उसके ही आगे 9, तो 16, 9, 25, 25 गिन लो फटाफट। अब मैं जानता हूं कि मैंने 5 का ग्रुप बनाया है राइट साइड से, ठीक है। 5 का ग्रुप बनाया राइट साइड से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5, 5, 5, 5, 5, ये 25वां अल्फाबेट होना चाहिए था पर एक मिसिंग है, तो अब ये 25वां अल्फाबेट होगा या 25वां कैरेक्टर या सिंबल होगा, ठीक है। आप चाहो तो एक और बार फिर से 5, 5, 5 ग्रुप बना सकते हो ऐसा ऐसा करके, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और लेफ्ट से क्यों बनाने को मैं बोलता हूँ, क्योंकि एक स्टैंडर्ड रूल है, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है अगर हमेशा से एक स्टैंडर्ड रूल ही आप फॉलो करोगे, क्योंकि इस पे कभी भी एक क्वेश्चन हो ऐसा जरूरी नहीं है, यू कैन हैव मल्टीपल क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन लेफ्ट हैंड से हो सकता है, तो फिर 5, 5 का ग्रुप बनाओगे, तो हर बार 5 का ग्रुप बनाना इज ऑल्सो वेस्ट ऑफ टाइम। तो वो तो मेथड तो ऐसा ही होना चाहिए ना कि ओवरऑल आपका टाइम बचे, इसलिए बता रहा हूँ। थोड़ा मैथ्स का यूज करोगे तो आपका सवाल का जवाब बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलो सेम पैटर्न दिख रही है अपने को, सेम पैटर्न दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ऑलरेडी 5, 5 का ग्रुप तो बना दिया होगा, ठीक है, तो रहने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेट अस सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन। अगर आपने ठीक से देखा तो ये सेम पैटर्न है, तो पिछले क्वेश्चन की बदौलत आपने ये 5, 5 का ग्रुप तो बना के ही रखा होगा, ठीक है, उसको रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैंने क्यों नहीं रखा है, क्योंकि वो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता था, ठीक है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबोव स्टेटमेंट, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबोव स्टेटमेंट, ठीक है, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड, ठीक है। चलो क्या मतलब होता है इसका, हर लेटर इज प्रीसीडेड। बेटा प्रीसीडेड क्या होता है पहले आपको बता दूं, कभी कभी अगर आपको कोई वर्ड पता नहीं है ना, तो उसको तोड़ मरोड़ के, उसको काट के मतलब निकाला जा सकता है। प्री प्री दिख रहा है, अच्छा प्री का मतलब क्या होता है, प्री कहाँ कहाँ सुना है आपने, प्रीसीडेड अभी सुना आपने, ठीक है, प्रीफिक्स सुना आपने, प्रीफिक्स इज अ वर्ड राइट, प्री इज प्रीकर्सर, प्रिलिमिनरी है ना, प्री मैच्योर, ये सारे आपने अलग अलग वर्ड्स सुने होंगे, सब में प्री आता है। व्हाट डू वी मीन बाय दैट, प्री इज आगे आने वाला, ठीक है, प्रीफिक्स खुद में प्री आता है, ठीक है, प्रीफिक्स में ही एक प्री है जो कि प्रीफिक्स है, ऐसा माना जा सकता है। सो प्रीफिक्स इज व्हाट, अ वर्ड व्हिच फॉलोज, ऐसा एक और प्रीफिक्स आपने सुना होगा को, है ना, कोऑर्डिनेट, कमिटी, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, है ना, ऐसे को मतलब क्या, साथ में, यूनाइट, टुगेदर, है ना, तो सब में मोर और लेस उसका मतलब सेम होता है। तो प्री मतलब पहले आने वाला, तो ऐसे कितने लेटर्स हैं जिसके आगे सिंबल आते हैं, अच्छा उतना भी नहीं, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। चलो तो पहले फॉलोड बाय, ये तो आपने सुना ही होगा कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, मतलब आपने खुद के लिए नहीं सुना होगा पर मूवी वगैरह में, पिक्चर सीरियल में तो देखा होगा कि वो लड़की मुझे फॉलो कर रही थी, वो लड़का मुझे फॉलो कर रहा था, कुछ गुंडे मुझे फॉलो कर रहे थे, है ना। तो फॉलो करना मतलब क्या, पीछे आना, फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, कभी कभी इंग्लिश में इधर बाय में गड़बड़ हो जाती है, फॉलोड बाय मतलब क्या, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इट वॉज डन बाय राहुल, मतलब क्या, राहुल ने
राहुल से हुआ है, अगर मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करूं तो इट वॉज डन बाय राहुल, ये राहुल से किया गया है, फॉलोड बाय राहुल, तो फॉलो राहुल से किया गया, राहुल को नहीं, राहुल से फॉलो किया गया, मतलब राहुल ने फॉलो किया, राहुल को फॉलो किया नहीं जा रहा, ठीक है। अगर ऐसा मुझे बोलना होता तो मैं ऐसा बोलता, राहुल वॉज फॉलोड बाय शीतल फॉर एग्जाम्पल, नसीब वाला है राहुल अपना ऐसा भी है ना, तो राहुल वॉज फॉलोड बाय शीतल, तो ऐसा मतलब होगा कि राहुल को शीतल ने फॉलो किया, ठीक है। वैसे ही लेटर को कॉन्सोनेंट ने फॉलो किया। अब तीसरी बला, ये कॉन्सोनेंट क्या होता है, ठीक है, हमने कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ी बात करी थी इसके बारे में, पर खैर अगर आपको याद है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, याद है नहीं है से मेरे को कुछ और याद है, चलो कोई बात। तो ए टू जेड अगर आपके अल्फाबेट्स होते हैं तो उसमें कुछ वॉवेल्स होते हैं और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट्स, या ऐसा बोला जा सकता है, वॉवेल्स कितने होते हैं, पांच, ए ई आई ओ यू, ये पांच को छोड़ के बाकी सारे आपके अल्फाबेट्स हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 21, पांच 21 बन जाएगा 26, ये आपके सारे 21 थे, वो थे क्या थे, मैं थी तुम थे, क्या थे कौन थे, वो थे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, हाँ मैं थी तुम थे नहीं, वो थे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो मतलब क्या आप मीम वीम नहीं देख रहे हो क्या आजकल, ठीक है, मैं थी तू थे, जाओ कुकर पे चने चढ़ा के आओ, पता चल जाएगा मैं किस मीम की बात कर रहा हूँ। हाँ तो कॉन्सोनेंट्स थे वो जिन्होंने कुकर पे चने चढ़ाए थे, ठीक है, ठीक है, चलो। सो कॉन्सोनेंट्स आर ऑल दी अल्फाबेट्स अपार्ट फ्रॉम वॉवेल्स, ठीक है, ऑल दी अल्फाबेट अपार्ट फ्रॉम वॉवेल्स आर कॉल्ड एज कॉन्सोनेंट्स। तो आपको क्या ढूंढना है, आपको वो लेटर्स ढूंढने थे जिनके आगे सिंबल आते थे और जिनके बाद में कॉन्सोनेंट्स आते थे, है ना, आते हैं। चलो मस्ती नहीं करते, थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब मैं आपको क्या थोड़ा शॉर्टकट देना चाहता हूँ, क्या शॉर्टकट देना चाहता हूँ मैं आपको, ये शॉर्टकट देना चाहता हूँ कि हमेशा ना, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, आपका आप देख लो, ठीक है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि सिंबल ना तुरंत नजर में आते हैं। अब आपकी नजर पर डिपेंड करता है आप क्या फटाक से पकड़ सकते हो, पर मेरा ऐसा मानना है सिंबल नजर में आता है। दूसरा, मेरा तो थोड़ा दिमाग भी ना बनी के जैसा चलता है, इसमें ना देख के एक नजर में पता चलता है कि सिंबल्स ना कम है, अल्फाबेट ज्यादा है। आपको तो ये ढूंढना था ना, आपको ये ग्रुप ढूंढना है जिसमें सिंबल लेटर कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहे हैं। तो मैं तो बोलता हूँ पहले सिंबल पकड़ लो, ठीक है, मतलब क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको पूरा हाथी पकड़ना है ना तो उसकी पूंछ पकड़ लो, चलेगा, ठीक है, फिर तो आपकी ताकत पे डिपेंड करता है, पर एक बार उसकी पूंछ हाथ में आ जाती है ना तो पूरा हाथी भी हाथ में आ सकता है, दिक्कत नहीं है। तो सिंबल पकड़ो फटाक से, सिंबल पकड़ना डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट फटाफट सिंबल पे मैंने ये बना दिया, मैंने सारे सिंबल ढूंढ लिए। अब इतना ही फटाक से देख लो कौन सा ऐसा सिंबल है जिसके बाद लेटर और तुरंत बाद कॉन्सोनेंट आएगा। तो अगर मैंने देखा सिंबल के बाद लेटर, लेटर के बाद कॉन्सोनेंट, हाँ ये मुझे चाहिए तो ये रखूंगा मैं, ये नहीं चाहिए क्योंकि इसके बाद लेटर है लेकिन लेटर के बाद वॉवेल आ गया, कॉन्सोनेंट नहीं आया, और वॉवेल तो ना चालेन भाई, आपने तो कॉन्सोनेंट जोई तू तू, तो कॉन्सोनेंट जो तो कॉन्सोनेंट जोई से, ठीक है, नहीं चलेगा। अगला, स्टार के बाद लेटर, लेटर के बाद कॉन्सोनेंट, तो हाँ सही है, ठीक है, तो ये चाहिए। सिंबल के बाद नंबर, हटाओ आगे देखो ही मत, लेटर ढूंढना था तो ये तो नहीं चाहिए। आगे सिंबल के बाद सिंबल, तो ये वाला सिंबल तो कैंसल आउट हो गया, नहीं चाहिए। अगला सिंबल के बाद नंबर, तो ये सिंबल भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को, सिंपल बात है। अगला सिंबल के बाद लेटर आया, हाँ, पर उसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं आया, मतलब मैं तो क्या करता हूँ, वही पूछ को ही काट देता हूँ। ये यही अगर गलत है तो ग्रुप बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है, तो वही है ना कि अपना सहूलियत भी तो देखो, ये भी नहीं चाहिए और ये तो लास्ट था, इसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं, तो वो तो नहीं ही चाहिए अपने को, मतलब मुझे दो ग्रुप चाहिए। अब क्वेश्चन दो तरीके के हो सकते हैं, खैर यहाँ तो बहुत क्लियरली आपको नंबर पूछा है, मतलब ऐसे कितने लेटर्स हैं, तो ऐसे लेटर्स हैं आपके बी एंड के, ठीक है, मतलब दो, तो आपका आंसर आएगा दो। क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा भी हो सकता था,
के बी एंड के, वाई एंड डी, ऐसा कुछ ठीक है, एल एंड एन, एम एंड यू, ऐसा कुछ हो सकता था। तो तब आप बी एंड के मार्क करोगे। तो क्यों बी एंड के? क्योंकि आपको मेन तो ढूंढना था लेटर, ठीक है, आपको मेन मेन बॉडी ये था। भले हमने अपना दिमाग लगाया और अपना काम इजी कर दिया बाय फाइंडिंग अ सिंबल, पर एक्चुअली आंसर क्वेश्चन तो लेटर पूछ रहा था। हालांकि ग्रुप में फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं, ग्रुप में फर्क नहीं पड़ता, आप एक पकड़ते हो तो बाकी सब भी अपने हाथ में आ ही जाता है। पूछ पकड़ोगे तो पूरा हाथ ही आ ही जाएगा। पर अगर क्वेश्चन में नंबरिंग नहीं पूछा होता और एक्चुअल अल्फाबेट्स पूछे होते तो फिर आपको ये ढूंढना पड़ता, बस उतनी सी बात है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये काम करना, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है तीसरा टाइप का क्वेश्चन। हमने अभी तक दो टाइप क्वेश्चन देखा। पहला हमने क्या देखा, जिसमें हमें काउंटिंग करना था 1 2 3 4 5 6 करके, और दूसरा जो हमने देखा उसमें हमने क्या देखा, हमें उसको ये करना था, क्या बोलते हैं, ग्रुप बना के एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन करना था, जैसे सिंबल लेटर कॉन्सोनेंट, वो कुछ भी हो सकता है, सिंबल लेटर सिंबल नंबर 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, कंप्लीट द सीरीज। अब ये सीरीज के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नंबर्स, अल्फाबेट्स, पिक्चर, विजुअल रीजनिंग, बहुत सारे कभी सीरीज आया है। क्या होता है उसमें? उसमें होता है पैटर्न। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है लॉजिक के अधिकतर क्वेश्चन में पैटर्न इज व्हाट सबसे इंपॉर्टेंट, पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस आपको ये देखना है कि पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा। पैटर्न कैसे बनेगा, चलो देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन भी आ गए। पहला उठाओ, पहला पहला किधर है, फोर और डॉलर एम, मतलब एक इधर और दो इधर। अब अगर एक एक होता ना तो मैं ऐसा मानता कि एक ये कोने से उठा, दूसरा ये कोने से उठा, लेकिन इधर से तो दो उठाए हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं देख सकता, मैं एक और चीज देखना चाहता हूं, वो क्या कि एक्चुअली मैं ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं एंड आ गया तो कोई बात नहीं, शुरुआत से फिर से चालू करो। तो ये हो रहा है, ठीक है, उल्टा 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 आप ये डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है, ये डायरेक्शन में आप उल्टा उल्टा चल रहे हो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। चलो इस बात को वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे को दिख रहा है फोर, फोर के लेफ्ट में डॉलर, डॉलर के लेफ्ट में एम। अब अगला क्या है, बी एट द रेट एट। तो बी एट द रेट एट, जैसे ही मेरे अगले पे ध्यान जाता है ना, मेरा ये पैटर्न फिक्स हो गया, जो मैंने सोचा था वो सही सोचा था, ये भी तो लेफ्ट राइट ही है, ठीक है। अगला क्या है, ये तीन है, अगले अगले क्या है अपने, ये तीन, उसके पहले के तीन कौन से थे, ये मतलब शुरुआत भी कैसे कर रहे हो आप। देखो यहां से यहां, इसका स्टार्ट और इसका स्टार्ट के बीच का गैप कितना है, बीच का गैप है +3 का, इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब के अगला नंबर ये, यहां से स्टार्ट करोगे ये डायरेक्शन में, फिर यहां से स्टार्ट करोगे ये डायरेक्शन में, फिर यहां से स्टार्ट करोगे ये डायरेक्शन में, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। जैसे क्या हो रहा है, थ्री प्लेसेस राइट में आपको मिलेगा बी, और फिर बी ने अपना ग्रुप बनाया बी एट द रेट एट, फिर और तीन प्लेस आगे जंप करके आप जाओगे एक्सक्लेमेशन पे, तो एक्सक्लेमेशन से शुरुआत करके आप एक्सक्लेमेशन डी ई ये ग्रुप बनाओगे, फिर डी से आप जंप करोगे सेवन पे, तो अगेन सॉरी एक्सक्लेमेशन से आप जंप करोगे सेवन पे, और सेवन आई वाई ये ग्रुप बनेगा। इसी चीज को अगर मैं आगे लेके जाऊं तो अब आप जंप किधर करोगे, आप जंप करोगे डब्ल्यू पे, और डब्ल्यू से तीन प्लेस उल्टा, मतलब डब्ल्यू के स्टार मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माई आंसर। सो दिस इज वॉट हाउ यू आर काउंटिंग एंड मूविंग, काउंटिंग एंड मूविंग, काउंटिंग एंड मूविंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देर इज अ पैटर्न एंड दैट पैटर्न नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड सॉल्व फर्दर, ठीक है। चल भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वही वही पैटर्न दे दिए हमें, और क्या बोला है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड। अब प्रीसीडेड का मतलब अब तो आपको मालूम ही है, मतलब अब मुझे दो ही ढूंढने हैं, क्या सिंबल और उसके बाद नंबर, नंबर प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, ठीक है, नंबर प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। तो अगेन फटाक से हमने नंबर सिंबल्स को तो आइडेंटिफाई कर रखा था, तो पहले फटाफट फटाफट हमने सारे सिंबल ढूंढ लिए, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, कौन से ऐसे सिंबल्स है जिसके बाद नंबर आ रहा है। तो ये पहला सिंबल है,
क्या इसके बाद नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, हटाओ उसको, हटा दो उसको, गया ये गायब हो गया। फिर इसके बाद सिंबल नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, गायब हो गया। इसके बाद आ रहा है? नहीं आ रहा है, गायब हो गया। इसके बाद सिंबल आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नहीं आ रहा है, इसके बाद हाँ आ रहा है। अगले वाले के लाल कलर के बाद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। और ये तो लास्ट है, इसके बाद आके मतलब ही नहीं है। मतलब अगेन आपको ऐसे दो मिले हैं, दो नंबर मिले हैं जिसके आगे सिंबल है, या दो सिंबल मिले जिसके पीछे नंबर है। आपका आंसर हो जाएगा टू, ठीक है। अब यहाँ मुझे, मैंने जो रिप्रेजेंट किया वो इस वजह से किया कि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। लेकिन अगर मैं एग्जाम में सॉल्व करता तो मैं दोनों साथ में कर सकता था, अलग से सिंबल ढूंढ के नंबर निकालने की जरूरत जरा भी नहीं है। जैसे कि क्या, तो आप देखो, मैं ना लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, मैं सिंबल 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 मिला तो मैं रुक गया। उसके बाद नंबर है? नहीं है, तो हटाओ। सिंबल 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 नंबर नहीं, हटाओ। सिंबल 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 नंबर नहीं, हटाओ। सिंबल 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 नंबर हाँ चाहिए। सिंबल 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 नंबर हाँ चाहिए। सिंबल सिंबल खत्म। तो क्या हो जाएगा, इससे मेरा रफ वर्क कम हो जाएगा। मैं, मेरे पास तो पीपीटी है, तो मैंने वो सारे सिंबल मार्क किए और फिर उससे कैंसिल भी कर दिया। पर आप एग्जाम में रफ थोड़ी कर पाओगे, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा ट्राई टू मिनिमाइज योर वर्क इज व्हाट माय एडवाइस विल बी। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज टू। चल बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। वापस वैसी पैटर्न दी गई है। अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन, फोर ऑफ द फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। या आपने देखा है अलाइक इन अ सर्टेन वे, मतलब क्या, ऑड मैन आउट, ठीक है। बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। आपको ये देखना है कि कौन सा एक हटके है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक ग्रुप को जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो चल भाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक एक ग्रुप को अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, पहला ग्रुप क्या है, के डब्ल्यू स्टार। ओके, मतलब मुझे क्या मिल रहा है, के डब्ल्यू और स्टार। तो के पहला, ठीक है, उसके जमणी बाजू पे, राइट साइड पे, ठीक है। लेट्स कीप इट टू राइट, मेरा हिंदी में, मेरे को नहीं पता उसको क्या, दाएं बाएं कंफ्यूज। दाएं हाथ पे है W, दाएं हाथ, राइट हैंड, जमणे हाथ पे, जमणा जो गुजराती वाला, यू नो, डोंट वरी। और लेफ्ट हैंड पे है स्टार, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट पैटर्न इज। लेट मी सी इफ द सेम थिंग इज डन इन द सेकेंड वन ऑल्सो। वॉट इज सेकेंड वन, बी एट द रेट, मतलब बढ़िया। तो ये पैटर्न हो सकती है क्योंकि दोनों ने तो फॉलो की है। तीसरे में देखते हैं, एम डॉलर ओपन ब्रैकेट, तो ये भी सही है। चौथा, चौथा क्या है मेरा, चौथा बोल रहा है मेरा एन एन डॉलर। अरे बाप रे, ये तो बाजू बाजू में ही नहीं है, मतलब ये ऑड मैन आउट हो सकता है। बस एक बार पांचवा देख लेता हूं मैं। पांचवा क्या बोल रहा है, ये तीन नंबर और ये अप एरो वाला साइन, तो ये भी पैटर्न फॉलो हो रही है। मतलब पक्का पक्का ऑप्शन डी इज माय आंसर, बात खत्म। तो आपको एक एक ऑप्शन को अच्छे से जांचना है, परखना है, आपको आंसर मिल जाता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये पैटर्न बदल दी गई है, नई पैटर्न मिली है हमें। तो आपने देखा एक पैटर्न पे चार पांच क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दो तीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पांच आएंगे ही आएंगे। चलो बढ़िया, इफ द फर्स्ट 15 एलिमेंट्स इन दी अबो पैसेज। अब इसको पैसेज बोल लो, फर्क नहीं पड़ता, ये आपको तो समझना है, हम तो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो पैसेज सीक्वेंस आर रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर। ओ बाप रे, इसको ना अच्छे से पढ़ना जरूरी है। पहले 15 एलिमेंट, एक एक को एलिमेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट ही है नंग, तो एक एक एलिमेंट को, पहले 15 एलिमेंट को अगर आपने उल्टा पलट दिया, क्या हो जाएगा, पहले 15 ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। रिवर रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 15th फ्रॉम द राइट एंड, 15th फ्रॉम द राइट एंड, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगेन काउंटिंग करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि पांच पांच का ग्रुप में काउंट करना इजी पड़ता है। तो ये हो गए पहले पांच, दूसरे पांच, तीसरे पांच, चौथे पांच और पांचवे पांच, और ये हो गया एक एक्स्ट्रा। अब मुझे क्या करना है पता है, मुझे ये देखना है कि जमनी बाजू से, राइट साइड से मेरे को 15 ढूंढने हैं। लेकिन मेरे को ये भी मालूम है कि जो पहले 15 है ना, तो देखो
गिनना कितने एज हो गया, पांच पांच के तीन ग्रुप मिल गए मेरे को, ये पहले 15 हकीकत में उल्टे हैं, ठीक है, हकीकत में उल्टे हैं, तो मेरा क्या आपको एडवाइस होगा, बहुत सारे बच्चे ना ये करते हैं, तो चलो उल्टा लिखना चालू करते हैं, ये, एक तो इसमें ना टाइम वेस्ट होगा, दूसरा ये भी होगा कि अगर आपने ठीक से पढ़ पढ़ के लिखा नहीं, एक बीच में छूट गया ना, आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं ये नहीं करना चाहता, मैं बोलता हूँ थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, इजी पड़ जाएगा, ठीक है। ये 15 तो उल्टे हैं, ये उल्टे हैं मतलब क्या, एक्चुअली ये एफ आपका इधर होता, ठीक है, ओके। बिफोर आई गो देयर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कितने हैं ये गिन लो पहले, ये गिन लो ये कितने हैं, ये आपके पांच पांच, 10 और 1 11, बराबर 11 हुए, ठीक है। अब हकीकत में क्या होता, तो आपका एफ इधर आता, फिर एन इधर आता, डॉलर इधर आता, मतलब ये करने से बेटर है 11 इधर से गिन लिया और बाकी के 4 आपने यहां से गिन लिए, मेरा आंसर सही। अब ये देखो मैंने एक्चुअली में कितना टाइम लिया समझने में, मेरे को 15 चाहिए राइट साइड से, तो पहले तो ये वो बॉर्डर लाइन है, ये कौन सी बॉर्डर लाइन है कि इनको उल्टा करना है, पलटी मार के उल्टी बाजू करना है, ठीक है, तो ये बॉर्डर लाइन है, तो बॉर्डर लाइन तक तो सीधी गिनती होगी 11 और यहां से 4, खत्म, मेरा आंसर आ गया 3, पता चल रहा है, 5 सेकंड में आंसर आ सकता है। लेकिन अगर इसके बदले अगर आप वो थोड़ा ओवर स्मार्ट बनते और आप पूरा उल्टा लिखते कि नहीं, मेरे को एकदम नीटनेस के मार्क्स चाहिए, नीटनेस के मार्क्स थोड़ी होते एग्जाम में, कुछ नहीं होता, ठीक है, तो बेफालतू का टाइम वेस्ट है वो। और अगर आप ऐसा करते, चलो ए फिर ये फिर पी फिर एम बी परसेंट ई डब्ल्यू स्टार 2 3 डॉलर एन एफ, और फिर अब आपको तो ये भी लिखना है वी ये 9F+SUHLT6, और अब आप गिनती भी करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो क्या नया आंसर थोड़ी आया, कितना टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है, कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इसके लिए ही बना है, हर बार 15 उल्टा थोड़ी करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैंने क्या किया, मैंने बहुत सिंपल चीज की कि भाई पहले मैंने पांच पांच के ग्रुप बनाए, तो चलो फटाफट पांच पांच के ग्रुप ऐसे बनेंगे 3 और 2 5, 3 और 2 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 3 और 2 5, फिर 3 और 2 5, और फिर 3 और 2 5, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये 15 लोगों को मुझे उल्टा मारना है, तो कोई बात नहीं, ये कितने हो गए 11, यहाँ से कितने हो गए 4, दैट्स माय आंसर, सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 3, ऑप्शन नंबर ई 3 इज माय आंसर, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू सॉल्व क्वेश्चंस थोड़ा फास्ट, बस वही ट्रिक होती है इसमें, बाकी तो क्या गिनती तो कोई भी कर लेगा, पर इसमें मेक और ब्रेक किधर होता है, कोई बंदा इसको 30 सेकंड में सॉल्व करेगा, कोई इसको 1 मिनट में करेगा, और कोई इसको 5 सेकंड में कर लेगा, ठीक है। तो 5 सेकंड में करने वाला इससे 6 टाइम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, और इससे 12, तो यही तो फर्क आता है एक टॉपर ऑफ द एग्जाम में, उसके माइंडसेट में, उसके थिंकिंग में, और एक एवरेज एंड बिलो एवरेज परफॉर्मर में, ठीक है। चल बढ़िया आगे बढ़ते हैं। इफ द अबव सीक्वेंस इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, पूरा ही पूरा रिवर्स ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7th टू द राइट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। अब ये क्या है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं यही करता हूं, ज्यादा मगजमारी नहीं, पांच 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 में मैंने बांट लिया है, ठीक है। अब कैसे देखना है इसको, जरा ये ठीक से ऑब्जर्व करो, ठीक है। फ्रॉम द राइट एंड क्या 16, तो फ्रॉम द राइट एंड 16, गिनते नहीं है रख देते हैं ऐसा, मैं गिनता नहीं कभी, ठीक है, फ्रॉम द राइट एंड 16, उसके बाद क्या 7th टू द राइट ऑफ, मतलब वापस इसके राइट में जाना है। अब आप यहां से यहां आए थे और अब आपको उल्टा आ जाना है, मतलब आपको करना है माइनस, क्योंकि आपने गिन लिए 16 और फिर आपको करना है माइनस, है ना, तो आपको इसमें करना पड़ेगा माइनस, ठीक है, ओके। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको क्या मिला 16 माइनस 7 विच इज 9th, ठीक है, 16 माइनस 7 विच इज 9th, पर 9th फ्रॉम द राइट साइड, और हमें तो रिवर्स करना था ना, हमें तो क्या करना था रिवर्स, मतलब अब आपका दिमाग बोलेगा कि आपको लेफ्ट एंड से 9वां ढूंढना है, तो 5
और चार मेरा आंसर है परसेंटेज, ठीक है। सो बस दैट्स व्हाट इट इज एंड डन, यू हैव आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर। तो हमने चीजों को कैसे सॉल्व किया, पांच पांच पे ग्रुप में बांट दिया ताकि मेरा टाइम बचे। फिर मैंने देखा इसको फिलहाल अब टच नहीं करता, मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या मांग रहा है, 16 फ्रॉम द राइट, और अगर उसके फर्दर लेफ्ट होता ना, फर्दर लेफ्ट तो मैं ऐड करता, राइट होता तो माइनस करता, ये लॉजिक हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अगर आप राइट साइड से गिन रहे हो और कोई भी एक नंबर दिया गया है उसके अगर लेफ्ट में पूछा गया तो ऐड करना और राइट में पूछा गया तो माइनस करना। सेम वे अगर लेफ्ट साइड से शुरू किया तो कोई एक नंबर आया उसके फर्दर राइट में आगे जाना है तो ऐड करना, और उल्टा उसके लेफ्ट में पूछा है तो माइनस करना। बस फाइनल आंसर ही ढूंढना, क्योंकि कल को क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 16 टू द राइट ऑफ, 9 टू द लेफ्ट ऑफ, 4 टू द राइट ऑफ, 3 टू द लेफ्ट ऑफ, तो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट कितनी बार घूमते जाओगे, टाइम पास थोड़ी करोगे। इससे अच्छा 16 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 3 करो तो इजी पड़ेगा। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो प्लस 4 माइनस 4 करके फाइनल आंसर देख लो और उतना गिन लो आप, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न है, सेम सीक्वेंस है। वॉट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन द बेसिस ऑफ अबव सीक्वेंस, मतलब क्या, मतलब कि आपको एक पैटर्न फाइंड करनी है, एनालॉजी दी गई है, ठीक है, और आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो चलो अपना काम शुरू करते हैं, बोरिया बिस्तरा उठाते हैं और काम पे लग जाते हैं। पहला 3 2 डॉलर, समझ आ रहा है, 3 2 डॉलर, ठीक है। एक जंप दो जंप, एक जंप दो जंप, बढ़िया। आगे देख लो क्या हो रहा है, आगे ये है W E स्टार, एक जंप दो जंप, और वो भी इसके चिपक के, क्योंकि अब ग्रुपों में भी तो ऑर्डर है ना, अब ग्रुपों में भी एक रिलेशनशिप है, ठीक है। ये मेरा थॉट था, उन्होंने एक और एग्जांपल दिया तो वो उससे फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं। P ओपन ब्रैकेट M और उसके बाद आएगा V, ये अप्रोक्सीमेट वाला सिंबल, और ए, बढ़िया चिपक के आ रहा है, चलो फैंटास्टिक। अब क्वेश्चन की बारी आती है, परसेंटेज IE, और इसको चिपक के आंसर आना चाहिए, मतलब मेरा आंसर ये होना चाहिए था जिसमें से मैं ढूंढूंगा, ऐसे बीच का उठाया एक, इस एक जंप दो जंप, एक जंप दो जंप, है ना। माय आंसर विल बी व्हाट, MPB, किधर दिख रहा है वो, दिख रहा है मुझे ऑप्शन नंबर डी में, MPB, ठीक है। तो बस ध्यान में रखो ये पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को, ठीक है। चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप देख रहे हो एक ही पैटर्न ही है, सीक्वेंस ही है, क्वेश्चन की टाइपें बदल जाती है, तो आपको वो सारी टाइपों को समझना है सो दैट आपके लिए एग्जाम में कुछ नया ना हो, ठीक है। चलो बढ़िया, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, नंबर्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय अ सिंबल। ये टाइप हम कर चुके हैं, नंबर्स आर देयर प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय सिंबल, प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय सिंबल। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप देख लो कहीं से तो कुछ तो उठा लो, चलो सिंबल ढूंढते हैं जिसके आगे नंबर हो और उसके आगे कॉन्सोनेंट हो, या आप चाहो तो नंबर भी देख सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि कभी बीच का उठाना मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, देखो मैं बहुत माइन्यूट चीज पे जाता हूँ, फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, लेकिन जब आप कुछ भी बीच का उठाते हैं तो आपको एक आगे एक पीछे देखना पड़ता है, तो ऐसे नजर इधर उधर घुमानी पड़ती है। इससे अच्छा या तो एक कंटिन्यू सीक्वेंस रखो या ऐसा सीक्वेंस रखो, ठीक है। कैसा रखो, या तो ऐसा रखो आप, या ये डायरेक्शन रखो या ये डायरेक्शन रखो, ठीक है, पर एक कंटिन्यू फ्लो में जाना चाहिए। तो चलो सिंबल ढूंढना इजी लगता है मुझे हमेशा, तो मैं ऐसा जाना देखता हूँ, तो सिंबल के आगे नंबर नहीं हटा गया, सिंबल के आगे नंबर बढ़िया, लेकिन उसके आगे कॉन्सोनेंट नहीं हटा गया, सिंबल के आगे नंबर हटा गया, सिंबल के आगे नंबर हटा गया, सिंबल के आगे नंबर हटाओ उसको, भगाओ इधर से, सिंबल के आगे नंबर भगाओ इधर से, सिंबल के आगे नहीं, सिंबल 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 के आगे नंबर भगाओ इधर से, नहीं है ना, नहीं आ रहा तो भगा रहा हूं मैं कब से, सिंबल के आगे नंबर भगाओ इधर से, नॉट अ सिंगल पैटर्न फॉलोस, ठीक है। उप्स हो गया अपना, उपसी हो गया, आपने देखा ना, लेकिन एक ऑप्शन था नन, नन इज जीरो, ठीक है। सो लेट मी टेल यू गाइस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नन
एंड नन ऑफ दी अबव। नन मतलब बेटा जीरो आंसर आना चाहिए था, जीरो, और नन ऑफ दी अबव मतलब ऊपर दिए गए एक भी सही नहीं है, कुछ और कुछ भी हो सकता है वो। तो प्लीज, नन और नन ऑफ दी अबव सेम नहीं होता, इन दोनों में फर्क होता है, ये आपको पता कर लो आप अभी से, ठीक है। चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया स्पीड मिल रही है हमें, क्वेश्चन की पैटर्न भी इजी लग रही है और ये आता भी है, ठीक है। तो प्लीज, आता है इन द सेंस काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है, तो यस, आपके एग्जाम में भी आएगा ऐसा मेरा दिली इच्छा है, ठीक है। काश वो मेरी बात सुन ले और डाल दे ऐसा मस्त 5 6 10 15 क्वेश्चन डाल दे, तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपकी स्पीड भी बढ़ सकती है और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। पर हाँ, 15 20 तो नहीं डालेंगे, 5 का सेट डाल सकते हैं वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम द लेफ्ट। अगेन, अगर आपको याद है ऐसे में उल्टा ही जाना चाहिए, तो लेफ्ट एंड से 16वां नंबर, उसके लेफ्ट में 4, मतलब आप क्या करोगे, 16 माइनस 4, ठीक है, 16 माइनस 4, और गिनती किधर से करोगे, लेफ्ट एंड से। दैट इज हाउ यू बिल्ड अ लॉजिक, ठीक है। तो ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीधा गिनना चालू। 16 माइनस 4 कितना होता है बेटा, 16 माइनस 4 होता है 12। 12 गिनोगे आप कहां से, लेफ्ट एंड से, 5 5 10 और 2 12, बात खत्म, ठीक है। देखो गिनती कितनी इजी हो जाती है, ठीक है। आप चाहो तो यह पार्टीशन बाद में भी कर सकते हो, ठीक है, क्यों, टाइम बचेगा ना, आपको ये पार्टीशन की इसमें जरूरत ही नहीं थी। तो मैं तो वही करता, मैं पहले ये सॉल्व करता और फिर देखता, 12 ही चाहिए ना, तो 5 5 और 2 12, बात खत्म, मिल गया हमें, ठीक है। सो 5 5 सेकंड बचा बचा के ही तो बनियागिरी करके ही तो एग्जाम में मैं 15 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर सकता हूँ, ये करना चाहिए हमें। आंसर ऑप्शन ई, एम इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, चलो अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। इफ ऑल नंबर्स आर ड्रॉप, ये नया पैटर्न आया, देखो मैं हर थोड़ी देर के बाद एक नया पैटर्न लेके आता हूँ, ठीक है, और बीच बीच में पुराना पैटर्न भी डालता हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम दी अबोव अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले गिनती नहीं करना है, पहले नंबरों को डिलीट मारना है, ठीक है। अब आप कैसे डिलीट मारोगे, या तो ये करके, ठीक है, अगर आप मान लेते कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो तो आप ये तो नहीं कर सकते, तो आप क्या करो पता है, सीधा सीधा लेटर नंबर को छोड़ के सब कुछ लिखना चालू करो, ठीक है। और मुझे क्या देखना है, मुझे 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड देखना है, मतलब मैं क्या करूंगा, 1 2, पेन खराब हो गई, हाँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 14 यू इज माई आंसर, ठीक है, ये भी कर सकते हो। अच्छा, ये भी नहीं करना चाहते, आप थोड़े और फास्ट होना चाहते हो तो आप ये कर लो, ठीक है, ऐसे ही पेन से 1 2 मत गिनो, 1 2, ये मैं आपको दिखाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नजरे और हाथ या पेन घुमाओ, 1 2 मत गिनो, 3 4 5 मत गिनो, 6 7 8 मत गिनो, 9 10 11 12 मत गिनो, 13 14, मिल गया मेरा आंसर, यू, बात खत्म, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी वेज यू हैव टू थिंक एंड इम्प्रूव योर स्पीड। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे आप लोगों को दिखाने के लिए नंबर पे चौकड़ी मारता हूँ। अब गिनना है तो पार्टीशन कर लिया, अब पार्टीशन करने के बाद मैंने क्या कर लिया, मैंने देखा तो 14th नंबर 14th इज हियर, क्योंकि 5 सॉरी 14th इज हियर, 5 5 10 और लास्ट से सेकेंड, तो 14 ही होगा वो, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरीकों से भी आप आंसर निकाल लोगे, पिछले वाले का आंसर था यू। चल बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी एक और ऑर्डर दे दिया है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल। मतलब आपको क्या करना है, शू करवानू छे अहींया वॉवेल अने पछी नंबर। तो अगेन मेरा ऐसा मानना है, अल्फाबेट के बदले, वॉवेल के बदले नंबर इजीली दिखते हैं, तो फटाफट फटाफट नंबर को हाईलाइट करो। तो नंबरों को हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है, नंबरों को हाईलाइट कर दिया सारे एक एक करके, और तेरी ये क्या हो रहा है। हाँ, तो चलो पहला क्या है, 4 4 क्या आ गया, वॉवेल है, नहीं है, हटाओ। आप तो यही करोगे ना एग्जाम में, आप पहले मार्क अब नहीं करोगे, वो मैंने पहले कुछ क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया था, उसके बाद मैंने एक अच्छी मेथड भी इंट्रोड्यूस कराई थी कि नंबर के साथ साथ जब 2 होते हैं ना तो तुरंत ही पकड़ लेना चाहिए, ठीक है, थोड़ी अपनी
प्रैक्टिस और थोड़ी अपनी स्पीड भी इंप्रूव होती है, तो अपनी एक्सपर्टीज लेवल बढ़ जाती है। तो ये क्या है, नंबर, नंबर के आगे वोवेल है नहीं है तो भगाओ इसको, नंबर, नंबर के आगे वोवेल है नहीं है भगाओ इसको, नंबर के आगे वोवेल नहीं है भगाओ इसको, नंबर के आगे वोवेल नहीं है भगाओ इसको, अगला नंबर क्या आ रहा है दो, उसके आगे वोवेल है नहीं है भगाओ इसको, अगला क्या आ रहा है छह, हाँ छह के आगे ई मिला, ई इज अ वोवेल, वोवेल क्या होता है आपका ए ई आई ओ यू, तुषार कपूर ने बनाए थे ये सारे वोवेल्स आपके, है कि नहीं, तुषार कपूर की आवाज में ए ई आई ओ यू, ये आपके पांच वोवेल होते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया छह, छह के आगे ई, दैट इज अ वोवेल, अगला नंबर नौ, नौ के आगे भगाओ उसको, आठ भगाओ उसको क्योंकि एच है, बस हो गया, इकलौता आंसर है वो है ये ऑप्शन बी वन। अगर आपको नंबर पूछ लेते तो आप मार्क करते छह, अगर अगर ऑप्शन ऐसे होते कि चार तीन पांच एक छह दो तो आप छह मार्क करते और आगे बढ़ते, ठीक है, चलो बढ़िया। चलो पैटर्न बदल दिए मैंने अभी आपके लिए, तो अगला पैटर्न क्या बता रही है मेरे को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ लेटर, मतलब काउंटिंग करना है हमें टू द राइट ऑफ 16, तो अब तो मैं बोलता हूँ इसको पढ़ना ही उल्टे से चालू करो, हाँ राइट साइड से सोलवा और उसके राइट में, तो राइट का राइट आया ना मतलब माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, शॉर्टकट बता देता हूँ आपका, मैं आपको एक एक लेवल आगे लेके जा रहा हूँ, पहले मैंने आपको गिनवाया, फिर मैंने आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन बताया, अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, राइट का राइट मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड से आए और अब राइट में वापस गए, तो राइट का राइट विल ऑलवेज बी माइनस, राइट का लेफ्ट विल ऑलवेज बी प्लस, सेम वे, सेम वे लेफ्ट का लेफ्ट विल बी माइनस एंड लेफ्ट का राइट विल बी प्लस। तो पैटर्न दिखी क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन आएगा तो ऐड कर देना, सेम डायरेक्शन आएगा तो माइनस कर देना, ठीक है, पर अगेन ये शॉर्टकट है, पर थोड़ा क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना जरूरी है, अगर पढ़ने में दिक्कत करोगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है ये, राइट से 16 और उसके राइट में 5, मतलब आपको ढूंढना है 11 कहां से, राइट एंड से। तो फटाफट फटाफट आप क्या करोगे इसमें, आप मार्किंग करना चाहो तो कर लो, तो ये ऐसे मार्किंग मैंने किया और मैंने ढूंढना था 11 राइट साइड से, तो आप चाहो तो यहां से भी मार्किंग चालू कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए अगर लेफ्ट से पहले से मार्किंग करके रखी है तो कैसे गिनते हो, 5 2 7, 7 और 4 11, आंसर इज 6, ठीक है, आंसर इज 6, या आप ऐसे भी गिन लेते तो भी चलता, 5 5 10, 2 इधर बढ़ाए तो इधर से कम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, दैट इज योर 11। तो अब ये याद रखना, राइट टू राइट माइनस, लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस, सेम डायरेक्शन माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन प्लस, लेफ्ट टू राइट प्लस एंड राइट टू लेफ्ट आल्सो प्लस। चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं, अभी इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रूल नहीं है, तो क्वेश्चन पढ़ के कभी कभी इसको अगर मैंने वर्डिंग घुमा के कुछ रखा तो आप दिक्कत में आ सकते हो, तो दिस गोज विद अ स्टार मार्क, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट एंड फॉलोड बाय अ नंबर, प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट फॉलोड बाय अ नंबर, मतलब आपको क्या ढूंढना है, वही आपको ढूंढना है आगे कंसोनेंट पीछे नंबर, फटाफट फटाफट सिंबल देख लिए मैंने, सिंबल के आगे कंसोनेंट पीछे नंबर नहीं है तो गया ये, आगे सिंबल है हटाओ गया ये, आगे नंबर है हटाओ ये भी गया, इसके तो आगे सिंबल है ये भी गया आपका, अगला आ रहा है कौन सा ये, इसके आगे कंसोनेंट है सही बात है, पीछे नंबर है ये मेरे काम की चीज है, ठीक है, अगला क्या देखता हूँ मैं, अगला देखता हूँ प्लस, इसके आगे कंसोनेंट नहीं है वोवेल है तो ये भी जाएगा मेरा, इसके तो आगे सिंबल है ये भी जाएगा मेरा, उसके भी आगे सिंबल है वो भी जाएगा मेरा, मतलब मेरे कितने ऐसे बने, एक बना, ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन आंसर ऑप्शन वन। इसमें अगर आपने गलती कर ली पढ़ने में आप तो ही गलत हो सकते हो, बाकी आपको काफी सारे शॉर्टकट मैं अभी तक दे चुका हूँ, ठीक है, तो आप गलती नहीं करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइन्थ लेटर टू द लेफ्ट, उल्टे से पढ़ो, लेफ्ट एंड से आप आए, लेफ्ट एंड से आए और आप फर्दर लेफ्ट में गए, मतलब आप क्या करोगे 18 माइनस 9, लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस बोला था,
नाइन्थ ढूंढना है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, नाइन्थ ढूंढो फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, बहुत इजी आंसर मिल जाएगा आपको, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार, दैट्स माय आंसर, ठीक है। ये पूरा ग्रुपिंग हटाओ। ये ग्रुपिंग क्यों रखता हूं मैं, पता है, हो सकता है इसके पहले को ऐसा क्वेश्चन आया हो आपके सॉल्विंग में जहां पे आपने ऑलरेडी ग्रुपिंग बना रखी हो, तो बनाई हुई ग्रुपिंग को यूज करना भी इजी है। पर ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं हर क्वेश्चन में ग्रुपिंग बनाने बैठना, नहीं भाई, वो इतना टाइम नहीं रहता अपने पास। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट के बाद नंबर, ठीक है। चलो यार मैं वेट करता हूँ थोड़ा, फटाफट आप खुद ही सॉल्व करके बता दो मेरे को क्या आंसर आएगा इसका। वीडियो पॉज करना पड़ेगा। चलो अब आपने सॉल्व कर दिया, और अगर आपका आंसर ऑप्शन ई आया है, ई, तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। कॉन्सोनेंट पहले, नंबर बाद में, ये तो पहले ही हटाओ इसको, ये भी गया मेरा। मैं नंबर ढूंढ रहा हूँ, नंबर ढूंढना इजी है, इसके आगे वोवेल इसलिए आउट हो जाएगा, इसके आगे कॉन्सोनेंट है तो ये मेरे काम का है, इसके आगे नंबर है तो ये गया मेरे, इससे आउट हो गया। फिर अगला नंबर छ है, छ के आगे भी कॉन्सोनेंट नहीं है तो आउट हो गया, तीन के आगे कॉन्सोनेंट है तो वो मेरे काम का है, उसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, तो मेरा आंसर ऑप्शन टू इज करेक्ट। अब से आप कर लो, हमने कम से कम 15-16 क्वेश्चन कर लिए है, तो अब से आप खुद से सॉल्व करना भी करो। पॉज द वीडियो एट द राइट टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन एंड देन मैच योर आंसर विद माय आंसर। फोर आर अलाइक, ठीक है, ये हमेशा ट्रिकी होता है। फोर आर अलाइक इन अ सर्टेन वे विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो पहला क्या उठाया मैंने, वन एंड नाइन। वन किधर है, वन ये रहा, ठीक है, वन इधर एंड इधर, मतलब इधर से इधर मैंने क्या किया, प्लस वन किया। अब ये थोड़ा कॉमन सेंस है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं लेफ्ट से जाता हूँ जो कि नॉर्मल कन्वेंशन मेथड है, तो इसलिए मैं प्लस वन करता हूँ, ठीक है। आप इधर से आते हो तो माइनस वन लिख लो, वो आपके ऊपर है, रिलेटिव बातें हैं सारी। इसके बाद ये कितना है, तो एक दो तीन, यानी वन से तीन, मतलब एंड से एक दो तीन चार, मतलब ये जो लॉजिक है ना वो क्या है, प्लस वन एंड माइनस फोर का लॉजिक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सिक्स एस एम, सिक्स के बाद प्लस वन, एक जंप, और फिर एक जंप, दो जंप, तीन जंप, चार जंप, जंप बोल रहा हूं मैं कब से, जंप, जंपिंग जैक वाला जंप। हाँ, तो यहां पे भी ये लॉजिक फॉलो हो रहा है, बढ़िया। थ्री आई सिक्स में क्या होगा देख लेते हैं। तो थ्री प्लस वन और फिर एक दो तीन चार पांच हो रहा है, ठीक है। ये गड़बड़ मत करना, अगर आप हमेशा इसको गिन के आगे बढ़ रहे हो तो प्लीज उसको गिनना। मैंने हर बार एंड से चालू किया था, मैंने मैंने वन प्लस वन किया और फिर मैं इधर से ही वापस उल्टा भी आया, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस, इसके केस में हो रहा है माइनस फाइव, तो ये मेरा ऑड मैन आउट होगा। एक बार सेम चीज आप आगे जाके भी वेरीफाई कर लोगे तो आपको यही मिलेगा, एक और फिर एक दो तीन चार मिला प्लस, नाइन किधर है, एक, फिर एक दो तीन चार मिला मुझे हैशटैग भी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज माय ऑड मैन आउट। चलो नई सीरीज मिली है, अब ये देखो ये नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्या नया है इसमें, अगर आपकी पारखी नजर है और निरमा सुपर दोनों, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये सिर्फ नंबर्स है। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम ये कर रहे थे कि हम पूरे सीरीज में से अल्फाबेट या कॉन्सोनेंट छांट छांट के निकाल रहे थे, वो इतना इजी था। अब सब कुछ बात नहीं, ठीक है, माझी से कह दो लंगर वाले, मुझे भी तूफान की जिद देखनी है, देखते हैं कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं। चलो करते हैं आगे सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाइन्थ नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 21st नंबर फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से लेफ्ट मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट आपको करना पड़ेगा एड। सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, पांच पांच का ग्रुप बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो पांच पांच के ग्रुप बना दिए मैंने, या तो आप यहां से ग्रुप बनाओ या यहां से, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर ये इकलौता क्वेश्चन होता तो मैं यहां से ग्रुप बनाता, क्योंकि मेरे को पांच पांच गिनने में इजी पड़ेगा 21। खैर फिलहाल तो बहुत सिंपल है, 21 मतलब एक दो तीन चार 20 और ये 21, मेरा आंसर क्या होना चाहिए था, मेरा आंसर होना चाहिए, अच्छा मुझे और भी तो आगे बढ़ना है ना, 21 और 9 30 तक जाना है मुझे,
ठीक है, तो 30 तक जाऊंगा मैं, मतलब 6 ग्रुप गिनने हैं मुझे यहां से, 1 2 3 4 5 6। अगर ये नहीं होता तो 6 वुड हैव बीन माय आंसर, पर एक इधर इंक्रीज हुआ तो एक इधर कट कर दो, माय आंसर विल बी 8। ठीक है, गिनती की बात है। अगर आप यहीं से एक पांच पांच का ग्रुप बना दे तो आपको क्लियरली मिल जाता 30th नंबर क्या है। एनी वे, इट्स अबाउट काउंटिंग, हाउ फास्ट यू डू द बेटर यू विल गेट आंसर। आंसर इज 8, ऑप्शन बी 8 इज योर आंसर। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सच फोर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड डिजिट फॉलोड बाय एन इवन डिजिट। अब देखो, क्योंकि इन्होंने नंबर्स दिए हैं तो थोड़ा नंबर्स के साथ खेलेंगे। तो नंबर्स के साथ क्या क्या खेल सकते हो आप? ऑड इवन खेल सकते हो, प्राइम और कॉम्पोजिट खेल सकते हो, स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स खेल सकते हो, है ना। हाँ, बस इतना ध्यान में रखना कि 1-1 डिजिट जनरली होते हैं इसमें, ठीक है। तो जनरली 1-1 डिजिट टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखना, क्या है, हमें ये देखना है कि 4 के पहले ऑड और बाद में इवन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। हाउ मेनी सच फोर्स आर देयर ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड डिजिट फॉलोड बाय एन इवन डिजिट। अच्छा, क्वेश्चन ना हमें बोल रहा है, क्वेश्चन ने हमें एक हिंट भी दिया है, 0 इज नाइदर इवन नॉर ऑड। हकीकत में ये गलत है, हकीकत में अगर आप मेरे को पूछते हो तो 0 इज एन इवन नंबर, पर क्वेश्चन ने ऐसा बोला है तो भाई सही बात है ना, उसकी मर्जी, मारी कुकड़ी मारो दाव, है कि नहीं, मेरा बैट मेरी बैटिंग, यही होता है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन सेट करने वाला बोल रहा है अगर 0 इवन ऑड नहीं लेने का तो इस क्वेश्चन में उसको नहीं लेना। ओके, मतलब आप क्या टेक्निकली 0 को काउंट नहीं करोगे। अब ऑड इवन निकाल पाना डिफिकल्ट है, पर 4 को ढूंढना इजी है। तो पहले फटाफट फटाफट मैंने 4 को ढूंढता हूं मैं, ठीक है। तो ये 4 के आगे ऑड नंबर आ रही है, ये 4 के आगे 0 है, हटाओ उसको। अगले 4 के आगे इवन है ना, उसके आगे इवन है, हटाओ उसको। अगले 4 के आगे ऑड मिला, पीछे इवन, आगे ऑड है पीछे इवन, याद है ना बस। तो ये कभी कभी ना ऐसा, इफ यू हैव अ रिंग, इफ यू हैव अ रिंग टू योर क्वेश्चन, रिंग मतलब पहनने वाली नहीं, म्यूजिक, ठीक है, रिंग टोन। इफ यू हैव अ रिंग टू योर क्वेश्चन, समटाइम्स योर क्वेश्चन सॉल्विंग बिकम्स बेटर, ठीक है। तो आगे ऑड है पीछे इवन, ऐसा 4 ढूंढते जाओ आप। अगला 4 क्या मिला? आगे ऑड 0, आगे ऑड पीछे इवन नहीं मिला, गया आगे ऑड है पीछे इवन। हाँ, तो ये वाला 4 मुझे मिल रहा है। ऐसे कितने ग्रीन कलर दिख रहे हैं आपको? 2, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एग्जाम क्या हो रहा है, एग्जाम में आप अलग अलग कलर वाले लेके थोड़ी बैठोगे। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ के बोलता हूँ, ये फालतू का टाइम पास नहीं करने का आपको। एक्चुअली मैं होता तो क्या करता, मान लेते ये जो आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल दिख रहे हैं ना, वो नहीं है, सिर्फ इतना है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, मैं आपको बता रहा हूं। मैं क्या करता, मैं देखता 4 ऑड इवन, मैं ये लिखता 4 ऑड इवन चाहिए, ठीक है। 4 आगे 0 हटाओ, 4 आगे ऑड हटाओ, 4 आगे और पीछे इवन चाहिए, ठीक है, ये चाहिए मेरे को। तो मैं सर्कल भी नहीं करता एक्चुअली, मैं तो सिर्फ अंडरलाइन करता, क्योंकि ये क्वेश्चन का सेम नंबरिंग मुझे आगे यूज करना पड़ने वाला है, आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो फालतू में कि उसको मैं बिगाड़ के गंदा करके रखूं। 4 आगे 0 हटाओ, 4 आगे 7 हटाओ, ऑड पीछे इवन हटाओ, गया। हाँ, आगे ऑड इवन पीछे 0, खत्म बात। 2 मेरा आंसर है, खत्म, दैट्स माय आंसर। तो मैं सिर्फ इतना ही रफ वर्क करता हमेशा, ठीक है। ये तो आपको पीपीटी में समझाने के लिए इतने कलर वालर यूज कर रहा हूं मैं, आप प्लीज एग्जाम में इतने कलर यूज मत करना, इतना समय नहीं होता अपने पास एग्जाम में। चल भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं, गाड़ी को लेके चलते हैं। हाउ मेनी सच सेवेंस आर देयर इन द अबव स्टेटमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर के बाद 7। अब आपको बता देता हूं मैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, थोड़ा तो मैथ की बात करने वाला हूँ, सुनिएगा ठीक से। 1 4 9 16 25 64 36 49, चलो ऑर्डर में ही चलते हैं। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 196 225 256 289 324 321 431 484 625, बीच में 576। मैंने आपको 1 to 25 सारे स्क्वायर्स बोल दिए, ठीक है। आप भी ये स्पीड में बोल सकते हो और बोलने चाहिए आपको, 1 से 25
तो स्क्वायर्स आने चाहिए जुबानी, ठीक है। मौखिक 25 तक के स्क्वायर्स आपको पता ही होने चाहिए, अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ढंग से अच्छे नंबरों के साथ स्क्वायर सॉल्व करना है, ठीक है। पर मेरा ये सवाल है कि ये तो स्क्वायर्स थे, परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो गए? मतलब जब ये वीडियो चालू किए थे 1 घंटे पहले, तब तक तो ये सारे स्क्वायर्स थे, तो एक घंटे पहले जब वीडियो हमने चालू करा था, तब तक तो ये स्क्वायर्स थे, तो ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि ये परफेक्ट हो गए? मतलब मैं तो पिछले 30 साल से ट्राई कर रहा हूं, आज तक परफेक्ट नहीं बन पाया, ठीक है। बताता हूं मैं, थोड़ा मैथ की बात कर रहा हूं, थोड़ा हटके बात कर, बस समझना, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना, बस समझना, सुनिएगा मेरी बात को। ऐसा स्टेटमेंट मानने जा रहा हूं जो शायद आपकी दुनिया टेम्पररी हिला दे, ठीक है। ये स्टेटमेंट ये है, एवरी नंबर इज अ स्क्वायर। सर क्या मतलब, भांग खा के आए हो या क्या करके आए हो, क्या बोल रहे हो आप? सही कह रहा हूं, ठीक है, काफी सालों से मैथ्स पढ़ रहा हूं, इतना भरोसा मेरे पे रखो आप। एवरी नंबर इज अ स्क्वायर। सर क्या मजाक चल रहा है, 5 किसका स्क्वायर है? 5 किसका स्क्वायर है? रूट 5 का, बहुत सिंपल। सर ये तो जोक हो गया। अरे जोक नहीं हो गया, ये मैथ है और ये फैक्ट है। 5 इज द स्क्वायर ऑफ √5। इट मींस एवरी नंबर इज अ स्क्वायर, एंड दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट समथिंग बिटवीन स्क्वायर एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। एवरी नंबर इज अ स्क्वायर, बट परफेक्ट स्क्वायर्स वो स्क्वायर्स होते हैं जिनका रूट एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर मारो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सारे नेचुरल नंबर है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। कौन? 1 4 9 16 25, इनके रूट क्या है? 1 2 3 4 5। 36 का रूट क्या है? 6, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, मतलब 35 स्क्वायर तो है पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि उसका रूट एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब क्योंकि हमने थोड़ी बात छेड़ी है, थोड़ा मैथ पे गए हैं और हमने स्क्वायर्स और परफेक्ट स्क्वायर्स और रूट की बात की है, तो मैं एक और दुनिया हिलाने वाला स्टेटमेंट बोलता हूं, और वो स्टेटमेंट ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ओनली। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है, एक्चुअली ये गलत है, ये आपका गलत है। रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो सर हम तो ऐसा करते थे स्कूल में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एक्स इक्वल टू +और -6। मैं ऐसा बोलने जा रहा हूँ, ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। फर्क ये है कि ये ऐसा बोल रहा है कि आपको स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, और ये क्या लैंग्वेज बोल रहा है पता है? एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 36, ठीक है। मतलब क्या, इधर रूट लो, इधर आप क्या करो, एक ऐसा नंबर बताओ जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद 36 मिलेगा, तो वो +6 में भी मिलता है, -6 में मिलता है। एक्चुअली स्पीकिंग आप यहाँ पे कभी रूट निकालते नहीं हो, ठीक है, वो आपको टीचर ने बताया कि बेटा रूट निकालो तो आपको आंसर मिल जाएगा, पर उसको एक्चुअली में रूट नहीं बोला जाता, ठीक है, क्योंकि अगर आप रूट बोलोगे, अगर आप ऐसा बोलोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, देन एज पर मैथ यू विल हैव टू राइट एक्स इक्वल टू ओनली +6। सो योर टीचर टोल्ड यू, टीचर आपको बताया, क्योंकि और कोई दूसरा अच्छे से बताने का तरीका नहीं था, ठीक है। सो उन्होंने बहुत अच्छा किया, पर मैथमेटिकली वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक बात समझो, ये है बेटा तू स्क्वायर रूट निकाल, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये कहता है कि मेरे को एक ऐसा नंबर बता जिसका स्क्वायर 36 है। तो दिल्ली से दौलताबाद इज नॉट इक्वल टू दौलताबाद से दिल्ली, ये समझ में आ रहा है? स्क्वायर रूट निकालना इज डिफरेंट फ्रॉम गिविंग अ नंबर जिसका स्क्वायर 36 है, ठीक है। हालांकि आपके एग्जाम में मैथ्स नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट यू नेवर नो, अगर इंटरव्यू इंटरव्यू में कभी किसी दिन किसी ने पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा फन फैक्ट आपको फ्री में ज्ञान दिया मैंने मैथ के बारे में। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं, परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया? सारे स्क्वायर्स जिनका रूट नेचुरल नंबर है, मतलब जिनको आप अभी तक स्क्वायर समझते थे वो हकीकत में परफेक्ट स्क्वायर थे। ओके, अब आप क्या करो, 7 ढूंढना चालू करो।
पहला साथ मेरे को इधर मिल गया जिसके आगे वन है, बेटा वन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो ये मेरे काम की चीज है। अगला साथ मेरे को मिला इधर जिसके आगे चार है, जो खुद भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी मेरे काम की चीज है। अगला साथ किधर दिख रहा है मेरे को, ये जिसके आगे पांच, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगला साथ मेरे को मिला ये जिसके आगे वन, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मेरे को ऐसे मिले तीन, मेरा आंसर है ऑप्शन बी, थ्री। चलो भाई बढ़िया, आगे अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल सेम नंबर पैटर्न, हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन दी अबव स्टेटमेंट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय डिजिट विच इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर देन 6। अब क्योंकि नंबर दिया है तो थोड़ा तो मैथ का काम आएगा आपको, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो आपको आएगा, मतलब पांच के बाद छह से बड़ा नंबर, ठीक है। लेट मी टेल यू, छह से बड़ा, छह छह से बड़ा नहीं होता, सात आठ नौ दस, ये सब काम के हैं। तो पहला पांच मेरे को ये दिख रहा है जिसके पीछे तीन, नहीं चलेगा। अगला पांच ये दिख रहा है जिसके पीछे वन, नहीं चलेगा। अगला पांच ये दिखा जिसके पीछे छह, नहीं चलेगा, हमें छह से बड़ा चाहिए। अगला पांच दिखा ये जिसके पीछे आठ, चलेगा। अगला पांच दिखा ये जिसके पीछे सात, चलेगा। उसके बाद कोई पांच है नहीं है, मतलब आपको ऐसे कितने मिले, दो, दो नंबर आपको ऐसे मिले। ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। चलो बढ़िया, जबरदस्त स्पीड के साथ गाड़ी को टॉप गियर में डालते हुए आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल दी ऑड नंबर्स आर डिलीटेड इन दी अबव अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नाइन्थ फ्रॉम द राइट हैंड। तो आप क्या करो, सारे ऑड नंबर को डिलीट मारो, ठीक है, कौन से ऑड नंबर आपके डिलीट हो जाते हैं। तो पहला ऑड नंबर देखो, ये गया पांच, तो गया। अगला ऑड नंबर क्या दिख रहा है मेरे को, तीन, तो ये भी गया। अगला ऑड नंबर क्या दिख रहा है मेरे को, एक, अच्छा एक के बाजू में सात भी है, तो दोनों गए। ओ, उसके पहले पांच भी था, तीनों गए। ये गड़बड़ मत करना, कभी कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगला क्या दिख रहा है मेरे को, ध्यान से देखता हूँ, तो ये पांच, तो ये भी गया, ठीक है। फिर नौ और तीन, ये दोनों जाने चाहिए। फिर जाएंगे मेरे सात, तो सात जाएगा। देखो जीरो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जीरो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मैथ, नंबर, ठीक है। तो ये पांच गया, ये नौ जाना चाहिए, सात जाना चाहिए, तीन जाना चाहिए, पांच जाना चाहिए, एक, सात, ये सब जाने चाहिए, ठीक है। तो हटाओ हटाओ और सबको हटाओ, सारे नंबर अपने एक बार हट जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है जीवन में, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, राइट एंड से नौवा नंबर ढूंढना है। तो चार पांच छह सात आठ नौ, क्या आंसर आएगा मेरा, आंसर आएगा मुझे क्या ढूंढना था, मुझे ऑड नंबर्स ड्रॉप करने के बाद, नाइन्थ नंबर ढूंढना है। ये नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, हाँ सही है, ठीक है, हाँ ये नौ डिलीट माना था ना, वो रह गया था, सही है। चलो अब काउंटिंग करो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, दिस इज माई आंसर, ऑप्शन टू इज माई आंसर, सॉरी टू, ऑप्शन ए इज माई आंसर, ठीक है। चलो बढ़िया, अच्छा आपके अगेन आपके लिए बुक पेन में अगर आपको लिखना होता तो आप क्या करते, तो मैं ये करता कि मुझे नाइन्थ ढूंढना है और मैं ऑड नंबर को नहीं काउंट करूंगा। तो जस्ट टू मेक, पहले मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ मैं कैसे सॉल्व करता। तो मैं यहां से गिनती चालू करता नौवा और ऑड नंबर नहीं करने का। तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, खत्म बात, इतना ही करने का, ठीक है, टाइम बचाओ, जिंदगी में कम होता है अपने पास, खास करके एग्जाम में, ठीक है। तो चल भाई आगे बढ़ा जाए, ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है मेरा अगला क्वेश्चन, इफ सेकेंड हाफ ऑफ द नंबर्स आर रिवर्स्ड, ठीक है, मतलब अगेन ये करके हाफ ढूंढना पड़ेगा, ओके, देन विच नंबर इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ नाइन्थ राइट ऑफ 14 लेफ्ट, उल्टा देखो, राइट राइट से तीसरा और उसके लेफ्ट, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड, ठीक है। अब उसके राइट में जाना है, आपने शुरुआत तो राइट से ही की थी, ठीक है, सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा माइनस, ठीक है। अगेन ये पार्टीशन वार्टीशन तो ठीक है बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन मेन पार्ट ये है, ये करने के बाद आपको नाइन करना पड़ेगा माइनस और उसके लेफ्ट में, मतलब अगेन हम तो शुरुआत से ही देख रहे हैं राइट एंड, तो वही हमेशा ध्यान में रखना, राइट लेफ्ट चेंज नहीं करने का। मतलब क्या, मतलब ये
कि आपने अगर राइट से शुरुआत की है तो हर राइट वाला आपका माइनस होगा और लेफ्ट वाला आपका प्लस होगा, बस इतना कर लो। तो आपने तीन, फिर क्या है तो 14 लेफ्ट ऑफ, मतलब आप करोगे ऐड, राइट से शुरुआत की थी तो लेफ्ट आपका हो जाएगा ऐड, फिर 9 राइट ऑफ मतलब हो जाएगा माइनस, और 2 लेफ्ट ऑफ मतलब हो जाएगा प्लस, ठीक है। सो 3 और 14 17, 17 और 2 19, में से 9 गया तो 10, 10 इज माय आंसर। कहां से? राइट एंड से आपको 10 गिनना है, तो ये 5 5 10, दिस विल बी माय आंसर। एक ज्यादा एक कम, ऑप्शन डी 2 इज द करेक्ट, गिनना है उसके बाद तो खाली और कुछ नहीं। चलो बढ़िया, अगले सवाल। पैटर्न चेंज हो गई है, कुछ सिंबल आ गए हैं, कुछ ये आ गए, सब कुछ आ गए, ठीक। राइट एंड से 16 और उसके राइट में 5, मतलब आपको गिनना है 11वां लेटर फ्रॉम द राइट एंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर चुके हो आप। 11वां सिंबल फ्रॉम द राइट एंड विल बी व्हाट? एम्परसेंड ओवर हियर। 5 5 10 और 11, वेरी क्लियरली दिस इज माय आंसर। मतलब ये क्या है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां सवाल। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट फॉलोड बाय अ नंबर, कंसोनेंट सिंबल नंबर। फटाफट फटाफट, क्या ये है सिंबल? सिंबल के पीछे सिंबल है, हटाओ, नहीं चाहिए। सिंबल के आगे सिंबल है, नहीं चाहिए। हमें तो आगे कंसोनेंट पीछे नंबर चाहिए था। अगला सिंबल है ये जिसके आगे नंबर है, तो नहीं चाहिए। अगला सिंबल है ये जिसके आगे कंसोनेंट है और लेकिन पीछे भी कंसोनेंट ही है, तो वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, ये जल्दी आ गया, इसको थोड़ा होल्ड पे रखता हूँ मैं, ये भी नहीं चाहिए। अगला क्या मिल रहा है मुझे? ये जिसके आगे कॉन्सोनेंट है और पीछे, सॉरी, जिसके आगे नंबर है और पीछे कॉन्सोनेंट है, तो ये भी नहीं चाहिए था। और कोई बचा क्या? स्टार, स्टार के आगे कॉन्सोनेंट, आगे नंबर है तो नहीं चाहिए। अगला मिला ये, आगे नंबर नहीं चाहिए, आगे कॉन्सोनेंट था लेकिन पीछे भी कॉन्सोनेंट, तो ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट, ऐसा एक भी नहीं है जो हमारे काम का है, तो मेरा आंसर वेरी क्लियरली क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीरो, ठीक है। सो काफी प्रैक्टिस करी हमने, 25 क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। तो बाकी आपके नोट्स या जो भी है, यू कैन ऑलवेज सॉल्व देम, एंड मेक श्योर यू काउंटिंग एंड यू रिमेंबर ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन यू नो छोटे छोटे जो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताए थे। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम